गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ, बोथ मीडियम, विषय हिंदी, पाठ चार। पहला प्रश्न दिया गया है आपको, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क दिया है, चरक संहिता के रचयिता कौन थे? सही उत्तर है आपका स, अ व व दोनों। ख है, मेधावी छात्र आश्रम में किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते थे? सही उत्तर है आपका आयुर्विज्ञान का। ग दिया है, दूसरा शिष्य घूमता हुआ कहाँ पर पहुँचा? सही उत्तर है आपका चौक पर। ख ब सॉरी अगला दिया है, घ दुर्बल कौन हो जाता है? सही उत्तर है आपका बीमार व्यक्ति। दूसरा दिया है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क एक बार की बात है, महर्षि चरक अपने आश्रम में विचार मग्न बैठे थे। रिक्त स्थान में आएगा आश्रम। ख चरक का शिष्य होने के कारण समाज में उनको विशेष सम्मान प्राप्त होता था। रिक्त स्थान में आएगा सम्मान। ग पहला शिष्य संध्या के समय एक गांव की चौपाल पर पहुंचा। रिक्त स्थान में आएगा चौपाल। घ है चारों शिष्य अपने अपने विचारों के साथ अपने गुरु के पास पहुंचे। रिक्त स्थान में आएगा गुरु। अगला दिया है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क महर्षि चरक कौन थे? उत्तर है, हमारे देश में ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में चरक नाम की एक प्रसिद्ध आयुर्विज्ञान हुए हैं। प्रश्न नंबर दो देखिए, महर्षि के आश्रम में कौन आए तथा क्यों? उत्तर ख है आपका। एक बार की बात है, महर्षि चरक अपने आश्रम में विचार मग्न बैठे थे, तभी उनके चार शिष्यों ने आकर उनके चरण छुए। प्रश्न नंबर ग है, अध्यापक और चिकित्सक में क्या समानता है? उत्तर है, चरक ने फिर कहा, अध्यापक और चिकित्सक से कोई बात छिपाई नहीं जाती, मैं तो तुम्हारा आचार्य भी हूँ और चिकित्सक भी, अतः निसंकोच कहो। प्रश्न नंबर घ, चारों शिष्यों ने स्वस्थ मनुष्य के क्या क्या लक्षण बताए? उत्तर घ है आपका, गुरुदेव कठोर परिश्रमी ही स्वस्थ रहता है। पहले ने कहा, मैंने आंखों से देखा है कि लोग च्यवनप्राश, मकर ध्वज और स्वास्थ्यवर्धक औषधियों के सेवन से स्वस्थ रहते हैं। दूसरा बोला, गुरुदेव मुझे तो लगता है कि नियमित व्यायाम करने वाले ही स्वस्थ रहते हैं। तीसरा बोला, प्राकृतिक जीवन ही स्वास्थ्यकर है, शहर से दूर प्रकृति की गोद में रहने वाले ही स्वस्थ व्यक्ति है। चौथे शिष्य ने कहा। अगला प्रश्न है न, औषधियों का उपयोग हम क्यों करते हैं? औषधि मतलब दवाइयाँ। चरक बोले, क्यों नहीं, जब कोई बीमार पड़ता है अथवा दुर्बल हो जाता है तो वह अपनी बीमारी और दुर्बलता दूर करने के लिए हमारी औषधियों का उपयोग करे, परंतु अपने पेट को औषधियों का भंडार न बनाए। औषधियाँ तो एक सीमा तक ही लोगों की सहायता कर सकती है। प्रश्न नंबर छ है, आदिवासी स्वस्थ रहने का क्या आधार मानते हैं? उत्तर च है, आदिवासियों ने एक स्वर से कहा, जो नगर की भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में वास करता है तथा शुद्ध और प्राकृतिक भोजन करता है वही व्यक्ति स्वस्थ है। अगला प्रश्न है आपका, महर्षि ने किस व्यक्ति को स्वस्थ बताया? उत्तर है, स्वस्थ वातावरण में कठोर परिश्रम करके रोटी खाने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। शरीर को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। स्वच्छ हवा, पानी, धूप भी अत्यंत उपयोगी है। व्यायाम से शरीर गठीला और मजबूत होता है, खेलकूद से मनोरंजन होता है और शरीर की स्फूर्ति बढ़ जाती है। योगिक क्रियाओं को सही ढंग से करने से व्यक्ति स्वस्थ दीर्घायु बनता है। आगे देखिए, किसने किससे कहा? पहला, गुरुदेव स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? चारों शिष्यों ने गुरुदेव से। दूसरा दिया है आपको,
जो नगर की भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में वास करता है तथा शुद्ध और प्राकृतिक भोजन करता है वही व्यक्ति स्वस्थ है। दूसरा है आपका आदिवासियों ने चौथे शिष्य से। तीसरा दिया गया है आपको गुरुदेव कठोर परिश्रमी ही स्वस्थ रहता है, पहले शिष्य ने गुरुदेव से। लास्ट दिया गया है आपको जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वही स्वस्थ है, स्नानार्थियों ने तीसरे शिष्य से। आगे दिया गया है आपको व्याकरण बोध, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला दिया है चिकित्सा पद्धति, प्राचीन काल में चिकित्सा पद्धति द्वारा ही इलाज किया जाता था। विचार विमर्श, चिकित्सा से विचार विमर्श किए बिना कभी स्वयं दवाई नहीं खानी चाहिए, चिकित्सक से। यहाँ क्या आएगा चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, चिकित्सक से विचार विमर्श किए बिना कभी स्वयं दवाई नहीं खानी चाहिए। स्नानार्थी, स्नानार्थी से कहा स्नान करना अच्छी औषधि है। स्वास्थ्यवर्धक औषधि, सुबह की सैर सबसे अच्छी स्वास्थ्यवर्धक औषधि है। दृष्टिकोण, प्राचीन व्यक्ति की सोच का दृष्टिकोण अलग होता है। प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक जीवन अच्छा जीवन है। दूसरा है विलोम शब्द लिखिए, स्वस्थ, स्वस्थ का अस्वस्थ, नियमित, नियमित का अनियमित, संकोच, संकोच का निसंकोच, हल्का, हल्का का भारी, पूर्व, पूर्व का पश्चिम, बालक, बालक का बालिका, कठोर, कठोर का आसान, संध्या, संध्या का प्रातः। दूसरा दिया आगे, तीसरा निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, है ना, ये आप स्वयं पढ़िएगा। वर्ण विच्छेद, यहाँ वर्णों को अलग अलग किया गया है। जैसे उदाहरण दिया आपको शताब्दी, श धन, अ धन, त धन, आ धन, ब धन, द धन, ई, है ना, इन वर्णों से जुड़कर क्या शब्द बना है शताब्दी। चौथा दिया है इन शब्दों से बहुवचन बनाइए। औषधि, औषधि का औषधियाँ, क्रिया, क्रिया का बहुवचन क्रियाएं, शिष्य, शिष्य का बहुवचन शिष्यों, दिशा, दिशा का बहुवचन दिशाएं, बात, बात का बहुवचन बातें, आदिवासी, आदिवासी का बहुवचन आदिवासियों, भाई, भाई का बहुवचन भाइयों, क्षमायार्थी, क्षमायार्थी का बहुवचन क्षमायार्थियों। आगे दिया है आपको निम्नलिखित गद्यांश में प्रयुक्त अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए, जो यहाँ शब्द अशुद्ध दिए हैं मतलब गलत हैं उनको आपको शुद्ध करके लिखना है।